प्रदेश यूथ कांग्रेस संगठन महासचिव सुरजीत भरमौरी ने अपनी जनसंवाद पद यात्रा चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र भरमौर की दूरदराज की पंचायत बड़ग्रां का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर इस पंचायत के हड़छू, प्लानी, कुठार, बड़ग्रां, त्रिपना, भद्रा और माता बन्नी के मंदिर में जाकर माता का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग भरमौर में विकास का ढिंढोरा पीटते हैं वो जाकर इस पंचायत में जाएं और देखें कि आखिर विकास कहां पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्लानी पुल का निर्माण पिछले 20 वर्षों से लटका हुआ है, जबकि हड़छू से बड़ग्रां सड़क का व्यवस्थीकरण भी अभी पूरी तरह से लटका हुआ है, जिसके चलते आए दिन इस सड़क मार्ग पर हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले इस गांव के स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति करना शायद सरकार भूल गई। उन्होंने बताया कि त्रिपना गांव में 7 परिवारों को बिजली लाइन नहीं है और वो आज भी दिए की रोशनी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में ना पटवारी, ना वेटनरी डॉक्टर, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर और ना ही स्कूलों में अध्यापक हैं। नमस्कार, आज जनसंवाद पदयात्रा के चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आज ग्राम पंचायत बड़ग्रां के हमने बड़ग्रां में गांव बड़ग्रां, भद्रा, पालनी, प्लानी और कुठार गांव को कवर किया, जहाँ पर नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिला। यहाँ पर जनसंवाद पदयात्रा के दौरान जो मुख्य मुद्दे निकल करके आए हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज टिपना एक गांव है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हमारा वहाँ पर 4 कमरों का रेस्ट हाउस भी है। वहाँ पर आज़ादी के 75 वर्षों बाद उस रेस्ट हाउस में आज भी अगर कोई आला अधिकारी आता है या कोई गेस्ट आता है वो दिए की लो में रहता है। साथ ही मैं त्रिपना गांव में मैं बात करूं, वहां पर त्रिपना में लगभग 8 से 10 परिवार वहां पर रहते हैं। उन परिवारों के लिए इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज भरमौर में ऐसे भी गांव हैं जहां पर आज बिजली की व्यवस्था नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बात करें भरमौर विधानसभा क्षेत्र की, तो भरमौर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में लगभग 1500 मेगावाट की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस क्षेत्र में आज भी यहाँ पर ऐसे गांव हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ऐसे गांव में ना तो सड़क सुविधा है, ना तो वहाँ बिजली की सुविधा है। बात करें अगर वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, जो वेटनरी की डिस्पेंसरी है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है, PSC में स्टाफ नहीं है। स्कूलों में जहाँ बात करें, स्कूल को 2 साल पहले अपग्रेड कर दिया गया था और वहाँ पर लगभग 35-40 स्टूडेंट ने एडमिशन भी लिया हुआ था और एक भी प्रवक्ता नहीं होने के कारण आज उन स्टूडेंट्स को वहाँ से माइग्रेट होकर के फिर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांदा जाना पड़ रहा है। जितने भी हमारे यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ मैं, तो लोगों को 6-6, 7-7 किलोमीटर मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए अभी भी दौड़ भाग करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात करूँ मैं पलानी पुल की, लोगों से मिलकर के ये बहुत आश्चर्य हुआ कि पलानी पुल लगभग 25-30 वर्ष से काम शुरू है, आज भी वो काम जो है अधर में लटका हुआ है। उसके बाद अगर बात करूं मैं कंडेलू से बड़ग्राम तक को जोड़ने वाली सड़क, आज उस सड़क की वो दुर्दशा है, हमारे कई नौजवान, पूरी क्रिकेट की टीम वहाँ पर एक्सीडेंट होकर के ख़त्म हो गई थी, उसके साथ कई गाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन ये बिल्कुल। ड्राइवर टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।